अगर आप लोग भी चांदनी चौक आ रहे हैं तो आप इसी गेट पे पहुंचोगे, चाहे आप ऑटो से आ रहे, गाड़ी से आ रहे, स्कूटी से आ रहे, बाइक से आ रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस बैरिकेड भी लगी हुई है। गेट से अंदर घुसते ही यहाँ पर जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर और सामने दूरी पे गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारा तो काफ़ी आगे है, लेकिन चांदनी चौक पहुँचते ही आप लोगों को यहाँ पर ये ऑटो वाले दिख जाएंगे और बड़ा सा गेट है, तो आप यहाँ से अंदर को एंटर कर लीजिए। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं चांदनी चौक, तो ये सामने रहा जहाँ से ये भैया निकल रहे हैं, वहाँ पर है मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन जस्ट मार्केट के शुरुआत में ही है, यानी कि जैसे ही आप मेट्रो से बाहर निकलोगे ना, तो यहीं से मार्केट शुरू हो जाता है और बहुत चौड़ी सड़क है, बहुत अच्छा है। जैसे ही हम ना मार्केट की तरफ बढ़ेंगे आगे को, तो राइट हैंड पे एक मार्केट पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। यहाँ पर आप लोगों को ट्राईपॉड मिल जाएगा, जितना यूट्यूब का सामान होता है वो सब मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है वो सब मिल जाएगा। ये सीढ़ियाँ चढ़ के लाल बोर्ड दिखाई दिया होगा आप लोगों को। और राइट साइड पे मार्केट इलेक्ट्रॉनिक का है, और लेफ्ट साइड पे ना कैमरे वाली गली भी आ जाती है, यानी कि कैमरा वाली गली, जहाँ पर पूरे कैमरे मिलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिखी हमें वो ये पैंट दिखे, ये बहुत अच्छे पैंट थे और ये 300 रुपये के दो मिल रहे थे। और इस टाइप के लोअर ये देखिए, इस टाइप के भी 300 रुपये के दो मिल रहे थे घर में पहनने के लिए, बहुत अच्छे कंफर्टेबल। ये देखिए इनके ढेर सारे कलर थे। और यहाँ पर ये जो कुर्ती थी ये भी 300 रुपये की थी। ये कैसे दे भैया? ये प्यारी प्यारी इयररिंग्स मिल जाएगी आप लोगों को 30 रुपये में, बहुत अच्छे थे ये, मुझे बहुत प्यारे लगे। और कोई से भी लो, 30 रुपये के थे ये। इसमें ना वेस्टर्न भी थे और झुमके टाइप में भी थे, बहुत सारे थे। सब मैं शेयर नहीं कर सकती थी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं डिज़ाइन दिखाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। और मार्केट की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 50 रुपीज़ से कम में नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ना सब 30 रुपये के थे। मज़ा आ गया इनको देख के, और मुझे लगा कि शायद इसीलिए आते हैं लोग चांदनी चौक में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हर जगह में ना ये 50-50 रुपये के मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते भी होंगे ना, तो 50 रुपये से नीचे तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर 30 रुपये के मिल रहे थे ये। और डिफरेंट भी थे, अच्छे अच्छे भी थे, बहुत अच्छे अच्छे। और ये वाला हेयर का ये देखिए 190 बोल रहे थे, लेकिन लास्ट में वो ना 100 रुपये पे आ गए थे। चांदनी चौक में चप्पल, शूज, सैंडल बहुत सस्ती रेट पे मिल रहे थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, तो इन सब का रेंज था 350 रुपये, जो और मार्केट में ना 450-500 रुपये के मिलते हैं। और यहाँ पर ये गले के जो सेट थे ये थे 100 रुपये के, और बहुत अच्छे अच्छे थे, डिफरेंट थे, और कुछ तो और मार्केट की तरह ही थे, मतलब सेम सेम, लेकिन डिज़ाइन में ना हल्का फुल्का ज़रूर चेंज था, और बहुत अच्छे मिल रहे थे। इनके साथ इयररिंग भी है। 50 रुपये के कितने पीस है? 25 पीस। ये कितने के? 50 रुपये का एक पीस। 50 रुपये। मैडम कैसे? 100 रुपये 5 है, 150 के 2 है। 100 रुपये के 5 है ये वाले। अरे मानेगा नहीं चाचा, पानी नहीं रुकेगा इसमें, पानी नहीं रुकेगा। ये वाली जो टी शर्ट है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ऊपर की दो लाइन है ना वो 200 रुपये का है, नीचे की दो लाइन 250 रुपये है। क्वालिटी बहुत सुंदर थी इनकी। यहाँ पर ये इयररिंग ना 100-100 रुपये के पर पीस मिल रहे थे, जो कि बहुत खूबसूरत थे, और डिज़ाइन भी इनका अलग अलग था, और झुमकी टाइप में बहुत टाइप के थे, यानी कि 2-3 प्रकार के झुमकी थे, यानी कि एक थोड़ी सी बड़ी बड़ी और इस टाइप के कुंडल टाइप में ऊपर से नीचे झुमकी, तो ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी। और आजकल ये ना ट्रेंड में भी है। और ये जो वाइट कलर के हैं बहुत सुंदर लग रहे थे, और एकदम वाइट नहीं थे, यानी कि ऑफ वाइट थे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये भी सारे जितने भी आपको मैं दिखा रही हूँ ये सब 100-100 रुपये के थे। एक टाइप की थोड़ी सी हल्के छोटे में ये झुमकी है, और ये इस टाइप के भी सारे 100-100 रुपये के थे। बहुत मज़ा आ गया। और इनके पास इतना सारा कलेक्शन था ना कि मैं क्या बताऊँ, अलग अलग टाइप का था, मतलब झुमकी ही कितने प्रकार की थी, मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी लूँ कौन सी छोड़ूँ। तो ये देखिए इस टाइप के ये सब 100-100 रुपये के थे, और वेस्टर्न में थे, वेस्टर्न में भी थे भैया के पास में, वो सब 50-50 रुपये के थे। लेकिन इनको देख कर ना जो बिल्कुल भी मतलब मन नहीं भर रहा था,
और ये देखिए, और 100 रुपये में क्या ही आता है। और 100 रुपये में ना एक जैसे मिलते हैं और मार्केट में, यहाँ पर डिफरेंस है। 150 के 2, 150 के 2, 150 के 2, 150 के 2। इस टाइप के प्लाजो 150 के 2, 150 के 2, 150 के 2। 100 रुपये। ये जितनी भी घड़िया है ना, सब 100 रुपये की है और बहुत अच्छी थी, वाटर प्रूफ। और ये देखिए एप्पल का इनपे साइन बना हुआ था, तो मजा आ गया इनको देख के भी। छोटा पर्स ये भी 100 रुपये के मिल रहे हैं। हाँ ये दिखाना दीदी, ये वाला। हाँ इसका सेप दिखाना, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है ना। हाँ पचास की है ना, पापा ला ले ले ले, 50 रुपये की। वहाँ पे कितने की मिलती थी? ये कितने के भैया? 200 की। ये वाली 250। ये वाली टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बता के ना। हाँ ये टेम्परेचर भी बताती है यहाँ पे। चाय चाय। अच्छा ये टेम्परेचर भी बताती है। अच्छा ये 100 रुपये। ओ टेम्परेचर बता रहा है ना, जैसे यहाँ से हीट निकलेगी ना। हाँ तो कितना टेम्परेचर है अंदर का ऐसे बताएगी। अच्छा जैसे मैंने हाथ लगाया। हाँ चांदनी चौक में सूट भी बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं और बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। जो 1000-1200 के बाहर मिलेंगे वो 500-600 रुपये के यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमने चलते चलते ऐसे ही इन सूट का रेट भी पूछ लिया, तो ये कह रहे थे कि 800-900 रुपये, और अगर हम लेने बैठते ना तो ये 450-500 रुपये में दे देते, क्योंकि चांदनी चौक में होता ही ऐसे है, कई तो फिक्स प्राइस है लेकिन कहीं अभी रेट का भी मतलब हो जाता है ऊपर नीचे। तो ये देखिए ये 800-900 रुपये के बता रहे थे भैया इन सूट का प्राइस। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए प्यारे प्यारे इयररिंग्स और मैं आपके साथ शेयर किए बिना नहीं रह पाई। तो ये है 100 रुपीज़ के पर पीस यानी कि एक जोड़ी, बहुत खूबसूरत थे ये भी और हर जगह पे हमें बहुत सुंदर इयररिंग्स दिखाई दे रहे थे। ये वाली जो घड़ी है ना, तो ये 200-250 रुपये में मिलती है दुकानों पे या और मार्केट में, यहाँ पर मिल रही थी 100 रुपये की। और यहाँ पर हमें बहुत सुंदर ब्रेसलेट दिखाई दिए जिनके अंदर की घड़ी भी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, मात्र 200-200 रुपये की थी ये सारी की सारी। कलर इतने सुंदर थे कि मैं इनको शेयर किए बिना नहीं रह पाई। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ये वाली वॉच तो इतनी पसंद आ गई दीदी को कि उन्होंने ले ही लिया। और ये वाटर प्रूफ है। सबसे बढ़िया ये है कि जैसे बारिश वारिश हो रही है, स्कूटी चला रहे हैं हम, मार्केट में हैं, भीग रहे हैं, तो इस पर पानी नहीं जाएगा। और इतना सुंदर डायल है इसका कि ऑनलाइन में भी ना नहीं मिल रहे थे इतने सुंदर डायल, क्योंकि बड़े बड़े डायल के मिलते हैं और मीडियम साइज़ का डायल ना ढूंढने से भी नहीं मिलता है। ये जो ईयरबड हैं ये थे मात्र 500 रुपये के, बहुत सुंदर थे ये भी एकदम पैक। ये देखिए 500 रुपये के बोल रहे थे भैया कि 500 रुपये के ले जाओ। तो यहाँ पर घड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी। हम पराठे वाली गली से पहले ही हैं और सीधा सीधा आगे की तरफ चल रहे थे कि यहाँ पर एक शॉप दिखाई दी जहाँ पर चप्पल बहुत सुंदर सुंदर 200-200 रुपये की मिल रही थी, बड़ों की, छोटों की, 150 रुपये की थी। और ये ना और मार्केट में ना 250-300 रुपये की होती हैं ये चप्पलें, 250 रुपये की होती है, लेकिन यहाँ पे 200-200 रुपये की थी ये सारे सैंडल चप्पल। चांदनी चौक में आप लोगों को हैंकी भी बहुत सस्ती मिलेगी, तो 180 के 12 पीस थे इस हैंकी के पैकेट के अंदर, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आगे जाकर हमें माला दिखी और एक भैया माला बेच रहे थे, तो इन मालाओं का रेट सुनकर मैं चौंक गई सच में। ये इतनी सस्ती मिल रही थी ना, तो 50 रुपये के पर पीस थे, यानी कि 50 रुपये की एक माला थी चाहे कोई सी भी लो। और ये जो स्टोन वाली है ना, तो ये 100 रुपये की थी। इसके साथ इयररिंग भी थे और अलग अलग डिजाइन
डिज़ाइन के थे, अलग अलग मतलब उसके थे, यानी कि एक जैसे ही नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर माला थी इनके पास में, और 100-100 रुपये की भी थी, 50-50 रुपये की भी थी, और सारे हेयर एक्सेसरीज भी थे इन भैया के पास में। तो बहुत अच्छे थे, सस्ते हैं, इतना सस्ता किसी भी मार्केट में नहीं मिलते हैं। और चांदनी चौक मार्केट में आप लोगों को इस टाइप के जो छोटे छोटे कार्ड होते हैं ना, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, जिस भी प्रकार का आपके पास कार्ड है, जो भी आपके पास कार्ड है, ये कार्ड रखने के ना 50-50 रुपये में आप लोगों को ये मिल जाएंगे। फिर से हमें बहुत प्यारी चप्पल दिखाई दी, और ये है 200-200 रुपये के, इतने क्यूट लग रहे थे ना ये देखिए, देख के ही पता चल रहा है। ये देखिए सुरमा होल्डर 100 रुपये का, हम 100 बजे करते नहीं है, हमारे को मंदिर की किताब नहीं है, हमारे बच्चे भी आएगा वो कैसे लेंगे, बेफिक्र। ये बड़ा है 100 रुपये का, छोटा 50 का है। ये पंजाबी दांतों, इससे दांत काली पीले सब साफ हो जाते हैं। ये दांत साफ करने का है आपने देखा ना, और यहाँ पे फॉरनिस्ट थे, यानी कि फॉरेन के लोग थे, वो इयररिंग ले रहे थे, और ये भैया ना दाम नहीं बता रहे थे हम लोगों को, क्योंकि इन भैया को ना उनको थोड़ा सा महंगा और देना था। लेकिन जो इयररिंग थे ना वो बहुत प्यारी प्यारी थी, यहाँ पे बहुत सुंदर थी। चांदनी चौक में आप लोगों को चूड़ियाँ भी बहुत मस्त मिलती हैं, और ये 250-250 रुपये की हैं पर जोड़ा, यानी कि 250-250 रुपये की जोड़ा है। बहुत अच्छी लग रही थी ये, बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर कान्हा जी के कपड़े भी मिल रहे थे, कान्हा जी की पोशाक बहुत प्यारी प्यारी थी, कोई 100 रुपये की, 50 रुपये की, कोई 200 रुपये की, और सस्ती थी ये यहाँ पे, मतलब जितने नंबर के जो हैं, ये देखिए 100-100 रुपये के जो 200 रुपये में मिलते हैं हमारे आसपास के मार्केट में, वो यहाँ पर 100 रुपये के थे, और बहुत अच्छे प्रिंट थे, डिज़ाइन बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लगी हमें। तो अभी हम चले गए हैं पराठे वाली गली में, हमने एंटर कर लिया है। एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे भैया बैठते हैं कचौड़ी वाले के पास में, ये ब्लाउज वाले भैया बैठते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज रहते हैं इनके पास में, 350 से शुरू हैं ब्लाउज, और 800, 1000, 1100, 1200 तक का, और ये वाला जो ब्लाउज है ये 400-500 के अराउंड है, क्योंकि बहुत सारे हैं, और इस टाइप के भी मिल जाएंगे। ये देखिए प्लेन साड़ियों के साथ ही कितने प्यारे लगते, कितने अच्छे लगते हैं, जिनके हल्की बॉर्डर होती है ना उनके साथ ये वाले ब्लाउज अच्छे लगते हैं। इस टाइप के फुल स्लीव्स वाले भी मिल जाएंगे, और अगर आपको और महंगे और अच्छे से चाहिए पूरे भरे भरे ब्लाउज, तो ये हैं 1000, 1100, 800, 1600, ये जो स्टोन वाले ना ये भारी भरकम वाले, तो ये 1600। ये वाले कितने के? ये ब्राइडल है, सेम कलर आप लोग देख सकते हैं, ये सब भैया कचौड़ी वाले के ही बगल में बैठते हैं। और भैया ये दुपट्टे कितने के? 850। वाह, 850 का दुपट्टा है, ब्राइडल दुपट्टा, इस पे सौभाग्यवती लिखा है। और भैया भैया की जो शॉप है वो है कचौड़ी वाले के ठीक सामने, के लहंगे भी मिल जाएंगे। ये पराठे वाली गली किनारी बाजार में हूँ मैं अभी, तो यहाँ पर गोवर्धन कलेक्शन करके एक शॉप है पर्स की, यहाँ पर बहुत अच्छे पर्स मिलते हैं, ये एकदम पॉपुलर शॉप है पर्स की, और खूब ढेर सारे पर्स ले जाते हैं लोग यहाँ से, इनके पास ना कलेक्शन बहुत होता है। तो भैया का जो प्राइस है वो है 500-600 से लेके 1000-2000 तक, लेकिन जो मैं अभी कलेक्शन दिखा रही हूँ आप लोगों को 800-1000 वाला, और नाम भी लिखवा सकते हैं पर्सों पर आप लोग, तो नाम लिखवाने का है 1100-1200 रुपये। आइए पोल्ट्री वाले, अच्छा 850 के हैं पोल्ट्री वाले, अच्छा ये झालर वाले 1300 रुपये के हैं सारे। और इधर भैया ये वाले, ये 600 रुपये में मिल जाएंगे सारे। 600 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, फिर 3500 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ये बड़े वाले 3500 के सारा मिल जाएगा। और वो नंबर वाला क्या है, वो भी मेकअप बॉक्स,
अच्छा बेंगल बॉक्स वो कितने का है? 750-850। जैसे ये भी है ये 1250-1350 कितने का है ये? 900 रुपए का पूरा रोल मिलेगा ये। एक डिजाइन मिलेगा। कलर वाइज में कितने का भैया ये? 5.5 का, 9 मीटर का, 450, 18 मीटर। ये वाला, ये वाला 550 का 9 मीटर। तो यहाँ पर ना ये सगन की थाली यानी कि ये हल्दी वाला मेहंदी वाली थाली मिल रही थी। इनमें 2 बाउल भी थे और बहुत मतलब पूरा सेट था ये। तो सॉरी इसका प्राइस मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, भीड़ बहुत थी भैया के पास में। और ये शादी वाला घर हल्दी मेहंदी ये सब 380 रुपये के थे। अब 380 रुपये का भैया ने पूरा ही कलेक्शन बताया, मतलब सेट बताया, या हल्दी का अलग और मेहंदी का अलग बताया होगा, इसके लिए सो सॉरी। और ये 50-50 रुपए के, 100-100 रुपए के, मतलब जिस हिसाब से आपको हैवी चाहिए कैसा चाहिए। और चांदनी चौक में आप लोगों को इस तरह की सुंदर सुंदर फूलों की डलिया भी मिल जाएंगी। और यहाँ पर बटन मिल जाते हैं बहुत सुंदर सुंदर, बटन का पैकेट होता है 50 रुपए का पर पीस। और बहुत सारा पूरा दुनिया का कलेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को 50 रुपए का। इस टाइप के छोटे छोटे स्टोन, जैसे ही आपको बटन चाहिए दुपट्टे पे लगाने के, सूट पे लगाने के, पर्स कलेक्शन को सजाने के लिए, मतलब ये हर प्रकार का काम आता है। जो लोग ये काम करते हैं उनको पता होगा। और छोटे बटन, बड़े बटन, मीडियम साइज़ के बटन, ये देखिए सारा कलेक्शन में जितना हो सकता है शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करना ना भूलें। जैसे कोई ना अपना कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ को सजाना चाहते हो, तो ये 50-50 रुपए के सारी चीज़ें हैं, सारे पैकेट्स हैं। अब ये क्या काम आते हैं मुझे इतना तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद किसी चुन्नी को अगर हमें डेकोरेट करना है, किसी चीज़ को डेकोरेट करना है, तो ये सब पैकेट हैं 50-50 रुपए के। मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे तो मैं शेयर किए बिना नहीं रह पाई। ये सारे 50-50 रुपए के हैं। ये देखिए कुछ भी चीज़ शेयर वो डेकोरेट करने की चीज़ें हैं ये, जहाँ तक मुझे मालूम है। ये देखिए ये पता नहीं का, ये इनका पता है, फ़ोन नंबर भी है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये देखिए इस टाइप के ये शायद दुपट्टों पे लगते हैं, और ये 200-200 रुपए के पैकेट है। अब ये क्या काम आते हैं आप लोग को पता होगा। ये इस टाइप की माला कितने की? ये 300 रुपए का बनता है। 300 रुपए का पूरा? अरे ये कितने की? अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को इस टाइप की सगुन का ये सजाने का मिल जाएंगी। और ये 200-250 रुपए के थे। और ये सारी थैलियाँ हैं तो इनमें कुछ देते होंगे। और यहाँ पर ये कसीरी टाइप का है, हमारे यहाँ तो कलसा बोलते हैं, इसके ऊपर से लोटा भी था। और कुछ 350-400 रुपए के बता रहे थे भैया इसको, और छोटे बड़े साइज़ का मुझे नहीं मालूम। ये भी 50-50 रुपए के थे। देखिए कितने सुंदर फूल है डेकोरेट करने के लिए। तो ये सारे फ्लावर ना बाहर लगाए हुए थे भैया ने। अनिल भाई ये तो डेकोरेटिव आइटम है। ये वही है कि फल फ्रूट देंगे। हाँ, इसको डेकोरेटिव करके सजा के। हाँ ये देखो, डेढ़ सौ। ये देखो 150 रुपए के धागे। वाला
हाँ। और यहाँ पर आप लोगों को इस टाइप के ये लिफाफे भी मिल जाएंगे सगन के, छोटा सा मुकुट और सुहाग पूड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इस पर, स्वास्तिक लिखा है इन लिफाफों पे, लगन पत्रिका ये देखिए, पीली चिट्ठी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इनको। तो ये 150 से 200 रुपए तक के थे, लड़का लड़की इस टाइप के लिखे थे। और यहाँ पर इस टाइप की ये चीज़ें भी मिल रही थी कुछ क्रिएट करने की, यानी कि हम किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं, यानी कि शायद मुकुट बना सकते हैं, पता नहीं किस किस चीज़ पे लगते हैं। लेकिन 150 का पैकेट, 200 रुपये का पैकेट था ये, इस पर राम लिखा हुआ है। और शायद है ना, जो लोग मुकुट बनाते हैं, इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं, तो वो लेकर जाते हैं इनको। और ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। दिखने में ना ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए, ये झुमके टाइप के थे, लेकिन ये कुछ चीज़ पे लगाने के थे। ये डेकोरेटिव आइटम है सारी की सारी, किसी चीज़ को हम मतलब सजाएं उस टाइप के पैकेट थे ये। ये देखिए, और ये सारे पैकेट ना 100-100 रुपए के थे, कोई 150 रुपए का था, मतलब पर पीस के हिसाब से थे ये, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो आप लोग मुझे बताना कि ये किस काम में आते हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है अभी। बहुत सारे पैकेट थे, इसीलिए चांदनी चौक आते हैं लोग। और एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है ये, यहाँ से ना लोग कट्टे भर भर के ले जाते हैं। और ये देखिए, ये हल्दी मेहंदी स्टोन वाला था, तो ये 350 रुपये का था। ये देखिए, ये स्टोन वाला है, एकदम चमकने वाला, जब आप लोग अपने घर पर लगाओगे इसको। और ये माला किस काम की है, बहुत बड़ी बड़ी हैं। कितने कितने के भैया? कौन से भैया भाई आपको बता। अच्छा, ये वाला कितने का है? ये आपका 360 का दर्जन है। दर्जन कलर मिलेंगे 4-5। अच्छा, कलर मिलेंगे इसमें 4-5। और ये वाला 240 का दर्जन। ये 240 का दर्जन है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें स्टोन भी है ना। अरे हाँ, ये वाला 240 का दर्जन। अच्छा, ये वाला 240 का दर्जन है, कितना प्यारा लग रहा है, पता है। 300 का दर्जन। अच्छा, ये 300 रुपये दर्जन। ये देखिए कितना प्यारा है, आहा। 240 का दर्जन। ये 240 का दर्जन है, ये है 240 का दर्जन का। अब ये फ्लावर में, ये फ्लावर में फिटिंग के साथ 360 का दर्जन। अच्छा, ये 360 रुपये का दर्जन। अच्छा, ये क्या 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 है? इयररिंग्स और टीका। अच्छा, ये इयररिंग्स और टीका है। अच्छा, अब इनका फैशन आ गया दुल्हन। ये देखिए कितने रुपये दर्जन है, 300 का पेयर है। अच्छा, ये क्या है भैया? जिप्सी सालों में बालों के। अच्छा, बालों में कितने? अच्छा, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ये हाँ, ये ओरिजिनल है, 150 का है। हाँ, ओ बरपक्ष, ये शहरे का है। हाँ, शहरे कहेंगे, शहरे का है ना भैया। ब्लाउज, ये ब्लाउज है, 120 का दर्जन। तो ये देखिए, और ये ना शॉप का एड्रेस है, तो आप लोगों को चाहिए तो यहाँ चले जाना, सारी चीजें अवेलेबल है, सब मिल जाएगा आप लोगों को। हेयर एक्सेसरीज भी है यहाँ पे, ये सब भी मिल जाएंगे। ये देखिए,
जो शॉप मैंने अभी शेयर किया आप लोगों के साथ, तो उन्हीं के बगल में ये लिफाफे वाले भैया बैठते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपये के 10 पीस मिल जाएंगे लिफाफों के, और जो भगवान कृष्ण वाले हैं प्रिंट वाले हैं तो ये 100 रुपये के 10 पीस हैं। और लगन पत्रिका भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, 100 रुपये के 5 पीस होते हैं इसके अंदर। और इसको देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, देखो हमारा सनातन धर्म कितना प्यारा है, कितना अनोखा है और कितना पुराना है। तो ये देखिए, जब हम लगन पत्रिका भी भेजते हैं तो कितने प्यार से और कितने अच्छे से भेजते हैं। ये वाले लिफाफे 1 पीस वाले लिफाफे हैं। अच्छा, ये कितने के? 50 रुपये 1 पीस। और यहाँ पर ये सुंदर से लटकन, और मैं लटकन ही बोलती हूँ इनको, क्या बोलते हैं इनको, तोरण लटकन पता नहीं क्या, सूट लहंगे ब्लाउज पे लगाने के, तो बहुत ही प्यारे थे। और 350 के क्या बोला था भैया ने, पूरा गुच्छा बोला था या पेयर बोला था, और शायद 50 का पेयर पता नहीं किनको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थे और उनके शॉप में ना भीड़ हो रखी थी। तो 50 के भी मिल जाएंगे, शायद 350 तक भी पहुँचेंगे। और ये किस टाइप का पर्स है, शायद ये इस टाइप का है कि अगर आपको कुछ चीज़ें रखनी है सगन की, यानी कि लिफाफे वगैरह जब शादी होती है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भी लग रहा है। और ये देखिए इस टाइप के यहाँ पे कपड़े रखने के शायद ये हैं, थैले टाइप के बनाए हुए हैं बढ़िया वाले। ये जो चौकी है ना, तो ये 150 रुपये की थी, बहुत प्यारी चौकियाँ मिल रही थी यहाँ पे, इससे बड़ी भी। और यहाँ पर ये नजरी है ना, 50-50 रुपये की मिल रही थी, और माला यहाँ पर 200-200 रुपये की थी। माला आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएगी किनारे बाज़ार में, चांदनी चौक में, जो कि बहुत सुंदर सुंदर थी। ये देखिए 200-200 रुपये की पर पीस माला, ढेर सारा कलेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर माला का, बहुत प्यारा प्यारा। तो आप लोगों को किनारी बाज़ार चांदनी चौक की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।